सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप करता हूँ आप सारे ठीक होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो यार आज का सीन कुछ ऐसा है, मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में बताया था कि आज जो है 17 तारीख है और आज होने वाला आपका हमारा स्पेशली हरेला जो फेस्टिवल होता है वो। तो फेस्टिवल ये होता है कि उसमें मतलब हमारे पूजा जाता है बेसिकली। थोड़े दिनों पहले क्या होता है कि एक स्पेशली घास होती है उसको उगाया जाता है और वो बड़ी होती है, तो आज के दिन काट के उसको फिर हमारे सर में रख के पूजा जाता है और हमारे मतलब एक अच्छे भविष्य अच्छे फ्यूचर के लिए कामनाएं की जाती है। फिलहाल अभी बुआ लोगों ने खाना ना बना रखा है और मेरे को भी जस्ट बुआ पूजने वाली है, तो चलते हैं और आज के इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज क्या होता है, लेकिन कुछ ना कुछ बवाल जरूर होगा। बाय द वे आज का मौसम फिर से कुछ ऐसा ही है, आप लोगों को पता है कि यार अभी बारिश का टाइम है तो बारिश का सीज़न है तो बारिश आना तो बनता है करके। फिलहाल आगे साइड मेरे ख्याल से बारिश आ रही है, यहाँ को तो बारिश वारिश का कुछ सीन नहीं हो रहा है। और हमारे ब्रॉनी महाराज अपने डबल बेड के सोफे में सोते हुए बढ़िया से, चलो सो जाओ तुम। और वो हरेला की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जो ये आप ये देख रहे हैं इसको उगाने के लिए गेहूं जौ मांस और मक्का और गौ, तो इनको मिट्टी में मिला के बोया जाता है। कितने दिन पहले बोते हैं इसे? 10 दिन कटता है। अच्छा 10 दिन पहले बोते हैं और 11वें दिन जैसे आज हरेला है तो काटते हैं, तो 10 दिन पहले इसे बो लिया था। फिलहाल आज के दिन क्या होता है, मीठे मीठे पकवान बनते हैं, पूरी वूरी बनते हैं, जैसे खीर बनाई है हुआ ने, रायता, आलू के गुटके, बड़ा। अभी जो टाइम हो रहा है आपका 4:30 हो रहा है, यानी कि 4:36 के अराउंड हो रहा है। और दिन में एक्चुअल में मैंने खाना ना खाया और उसके बाद मैं वीडियो एडिटिंग में बिजी रह गया था, इस वजह से मैं फिर कहीं जा नहीं पाया। इसलिए अभी हमारा प्लान बन रखा है हमारे जो भाई लोग हैं दादा लोग हैं उनके साथ कि अभी फिलहाल आज हम लोग जाने वाले हैं कामाख्या मंदिर के लिए। कल मैं जा नहीं पाया था, कल वैसे प्लान था लेकिन कल नहीं गई, आज फाइनली जाते हैं। आज एक्चुअल में हरेला भी है, फेस्टिवल है इस वजह से। और हमारे साथ हैं यहाँ पर प्रियंका मैडम, क्या हाल है? बढ़िया, कैसे हो आप? बढ़िया, हम बढ़िया। हैप्पी हरेला आप सभी को, मेरे से भी तो कहो। तो यार फाइनली मैं रेडी हो गया हूँ और ये रही सामने हमारी नूर। वेल मैंने कमलेश भाई को कॉल करा था तो कमलेश भाई कह रहे हैं कि वो हमें ऊपर ही मिलने वाले हैं। और ये देखो ना यार ये तिब्बती फ्लैग कितना मस्त लग रहा है, तो फिलहाल चलते हैं, लेट्स गो। तो हमारे एक जो दादा है वो यहीं पे मिलने वाला है हमें, अभी पता नहीं कहाँ पे है, कॉल तो करी थी उन्होंने मुझे। ओह माय गॉड, हैरिदा इज हेयर। और ये मेरे व्लॉग में आई थिंक फर्स्ट टाइम आ रहे होंगे, वैसे तो बहुत फेमस इंसान है यार ये, क्या बताऊँ, फेमस पर्सनैलिटी इज हेयर। अरे यार शिट, चलो। तो यार अभी का सीन ये हुआ ना अचानक से, एक्चुअल में मैं जिनको लेने के लिए आया था उनके लिए हेलमेट लाना भूल गया और हेलमेट कंपलसरी है इस वजह से फिर वापस गया, हेलमेट लेके आया। बाकी अभी निकलते हैं यार, लेट्स गो, लगाते हैं वाइजर। फिलहाल हम लोग यहीं से निकलेंगे आपका लेफ्ट केमू साइड से। वैसे आज यार फेस्टिवल है तो इस वजह से शायद आज एक तो छुट्टी भी दे रखी है ना, सरकारी छुट्टी। बाय द वे पहले नहीं होती थी ऐसे हरेला की छुट्टी, इस बार छुट्टी भी दे रखी है, तो बेसिकली पूरा आज ऑफ ही है, पूरा मार्केट एकदम सुनसान ही है। बाकी मैं यही कह रहा था कि यार देखो जब बुलावा आता है ना कहीं का तभी वहाँ जाया जाता है, अदरवाइज़ तुम कितनी भी कोशिश कर लो किसी दिन वहाँ जाने की, वहाँ नहीं जाया जाएगा। दादा लोग यार पहले ही वहाँ पहुँच गए हैं, उनका कॉल आ गया है कि जल्दी आओ करके, अभी यहाँ से थोड़ा दूर है ही। फिलहाल अभी ये केमू स्टेशन है, केमू स्टेशन क्रॉस करके मैडम आराम से। मैं ब्रेकर एकर तो कहीं देख ही नहीं रहा हूँ, सीधा उछालना हुआ। कि लास्ट वाले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होता हम इसी रूट से आए थे आपका शूट करने के लिए, उस टाइम पे हम लोग गए थे आर्मी पब्लिक स्कूल। थोड़ा हम लोग आर्मी वाले कैंट एरिया में जाएंगे, वहाँ पे शायद मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा, फिर सीधा आप लोग को डायरेक्ट मैं शायद वहीं मिल सकता हूँ जहाँ पे वो कामाख्या मंदिर है वहाँ पे वो। अभी यहाँ से अभी हम लेंगे राइट बड्डा वाली झूलाघाट वाली रोड में, वेल पीछे वाली रोड में तो हम लोग गए हुए थे, ये है आपका विशाल मेगा मार्ट। फाइनली अभी हम लोग आपका कामाख्या मंदिर के स्टार्टिंग पॉइंट में आ गए और जो आपका कैंट एरिया आर्मी वाला वो हमने आपका पीछे छोड़ दिया है, बाकी यहाँ से अभी हम लोग आपका वीडियो वगैरह बना सकते हैं।
बाकी ऐसी चढ़ाई है यार, देख रहे हो भयंकर, ये तो कुछ ज्यादा ही है भाई, चढ़ाई हो रही है, ऑफ रोडिंग हो रही है कहीं गंदी वाली। ओ भाई 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 ओहो, हम पहुंच गए फाइनली आपका कामाख्या मंदिर। और एक कमलदा लुक की स्कूटी पहले से ही खड़ी हुई है। तो यार फाइनली हम लोग आपके कामाख्या मंदिर के एकदम एग्जैक्ट गेट पे पहुंच गए। फिलहाल जो हमारे साथ दोस्त लोग आए थे वो तो पहले ही चले गए, एक्चुअली उनको लेट हो रहा था तो ऊपर वो मंदिर में। फिलहाल मैं आप लोग को एक व्यू दिखाता हूँ भाई, इतना प्यारा सा व्यू है ना, यहाँ देखो कितने प्यारे प्यारे से गाँव है और मौसम देखो कितना सही हो रहा है। वेल वो सामने आपका कुमडार वाला एरिया, वो जहाँ पे बादल वादल लगे शायद, बाकी ये वाली साइड पे, बाकी वाली साइड आगे नैनी सैनी एरिया है। फिलहाल अभी हम लोग लेट हो रहे थे इस वजह से जल्दी जल्दी चलते हैं। और फाइनली अब टाइम है मिलाने का आप लोग को हैरी दास से, जो मेरे साथ आया था अभी फिलहाल बाइक में। यार ये काले आ रहे हो, इधर को आ जाओ जरा, यहाँ को। तो हेयर इज अवर हैरी दा, क्या हाल है? बढ़िया, फर्स्ट टाइम नहीं है। मतलब कमिंग, यू आर इन माय व्लॉग। ओके ओके, बाल देख रहे हो सिल्की सिल्की। तो हम लोग पहुंच गए आपका कामाख्या मंदिर में, और ये रहा सामने कामाख्या मंदिर। अभी जस्ट ऊपर जाएंगे और मस्त दर्शन दर्शन करके आएंगे, बढ़िया। और फिलहाल जो हमारे साथ यहाँ पे को आए हैं दादा लोग, वो अपना व्यू का फील लेते हुए, बढ़िया। इनको आप जानते होंगे ऑलरेडी, कमलदा आपके पीछे कान के पीछे वो लगी है घास वाला। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, वैल ये है आपका कमलदा। वैसे पहले आप हमें मिल चुके हैं व्लॉग में। कुछ भी, अभी कमलदा के अपना चल ही रहा है एग्जाम प्रिपरेशन, काफ़ी एक दो एग्जाम वगैरह निकल गए हैं, जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो फिर बताएंगे, और फिर कमलदा उसकी पार्टी आर्टी भी कराएंगे। चल भाई मोमोज खा के आते हैं। अच्छा भाई मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। अबे क्या मजाक कर रहा है, पैसे होते ही है कब तेरे पास? खिलाएगा नहीं खिलाएगा बोल। अच्छा कौन है भाई तू? बाकी हमारा प्लान है वो ऊपर टॉप में जो कुमडार साइड है वहाँ जाने का। तो किस दिन चल रहे हो फिर बताओ? अगले हफ्ते चलते हैं। चलते हैं फिर एक दिन, क्यों? बहुत टाइम से प्लान बन रहा था हमारा कुमडार जाने का, लेकिन नहीं जा पा रहे थे। बाय द वे आपका क्या है भाई? ना मतलब ऐसा बिल्कुल इमीडिएट नहीं सोचे हैं, बट सोचेंगे। बाकी मंदिर के तो हम लोगों ने दर्शन वगैरह कर लिए और थोड़ा बहुत फोटो शूट वगैरह कर ही लिया। बाय द वे ये जो मंदिर है, मंदिर के सामने का व्यू तो ऑलवेज ही ऑसम आता है भाई। फिलहाल ऊपर देखो पहाड़ के ऊपर, मतलब बादल आदल भाई इधर से उधर जा रहे हैं, वो मस्त व्यू बना रहे हैं। चल अभी हम लोग यहाँ से होते हुए यहाँ जाने वाले हैं पीछे साइड। बाकी यहाँ से तो व्यू भाई नेक्स्ट लेवल ही है। सामने नैनी सैनी एयरपोर्ट है, और ये आपका ये कासनी की झील है मेरे ख्याल से, आई थिंक। कमल आज क्या है वैसे? सावन कुछ ज्यादा नहीं हो गया मतलब कुछ भी। ठीक है फिर कमलदा, मिलते हैं आपसे। ओके आप अपना बिजी काम करिए। ये पेपर है यार। अच्छा परसों को देहरादून है ना? ओके ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। बाकी आगे भी एक महीने बाद पता चल जाएगा फाइनल मेरिट में कैसा। ओके टाइम है, चलो ठीक है। ओके ओके, और ये साहब ये, अरे बाप रे ये तो धोती खोल रहा है।
तो यार कमलदा लोग तो चले गए हैं और हमारे हरिदा हमारे साथ हैं। बाय द वे जिनका वेट हो रहा था बेसब्री से, यानी कमलेश भाई, वो भी आ चुके हैं और उनके साथ एक और दादा आए हुए। बाकी ये हमारे साथ हैं भैया जैक। अच्छा अच्छा, और ये हमारे कमलेश भाई, इनको आप जानते होंगे। वेल आज हरिला है तो इसलिए छुट्टी है, वरना ये भी अपना डांस क्लास चलाते हैं, बड़े डांस आंस सिखा रहे हैं। अगर आप में से कोई जाना चाहते हो तो चले जाना, बाकी फीस तो कम होगी नहीं ऐसा महसूस नहीं। वीडियो कम जाएगी, फीस कम हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा, बाकी बढ़ जाएगी 50 रुपये वीडियो देख के जाओ। फिलहाल अभी यहाँ से ऊपर से कुछ चल रहे हैं। तो यार यहाँ पे हमने आपका रील वगैरह शूट कर दिया एकदम मस्त मस्त। तो यहाँ जो जगह थी ना, घास थी, हमने यहाँ गिरे भी हैं, हम मतलब उठे भी हैं, इधर उधर भी गए हैं, बाकी यहाँ पे हमने बढ़िया से शूट उट कर लिया। इस वाले व्लॉग को मैं यहीं पे को एंड करता हूँ और आई होप आप लोग को आज का व्लॉग पसंद आया होगा और वंस अगेन आपको हरेला फेस्टिवल की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मिलते हैं जल्दी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय टाटा एंड स्टे कनेक्टेड विथ नी टच। बाकी जो यहाँ पे को हम लोगों ने रील वगैरह शूट करी है वो आपको हमारे इंस्टाग्राम में मिल जाएगी, तो जल्दी से वहाँ जाके कनेक्ट हो जाइए और हमारी जो रील्स हैं फील वाली मस्त, उसको जाके देखिए। कैसा? धन्यवाद। आप तो रील कहाँ से देखोगे?